Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. मेरी वीडियो बहुत अच्छे से अपलोड नहीं हो रही थी क्योंकि मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू हो गई थी और मैं बीच में स्विमिंग की वजह से बहुत बिजी भी था. मैंने एक कैंप ज्वाइन कर लिया था क्योंकि व्लॉगिंग के साथ साथ सेहत भी थोड़ी सी ज़रूरी होती है. तो उसके बाद अब मेरा ये नया व्लॉग आ गया है, फूड व्लॉग. और इस व्लॉग में हम रिव्यू करने जा रहे हैं हमेशा की तरह कुछ नया. तो इसमें हम रिव्यू करेंगे मैकडोनल्ड्स के जो तीन नए रैप आए हैं. मैं तीन नहीं लिए, मैंने दो लिए. उनमें से पहला है ये चिपोटले रैप और दूसरा है ए गार्लिक मायो रैप. सो दीज आर द टू रैप्स, चिपोटले एंड गार्लिक मेयो. और तो चलते हैं और करते हैं इसका रिव्यू. तो चलो. सो गाइस, अब हम घर आ चुके हैं और ये रहे दोनों वो रैप्स. तो सबसे पहले मैं ट्राई करना चाहूँगा चिपोटले. सो अब इसको खोलते हैं. ये रैप सही तरह रैप नहीं हुआ. सो आप देख सकते हैं अब मैं इसका पहला बाइट टेस्ट करने जा रहा हूँ. बहुत लिट है और इसका चिकन बहुत ज़्यादा टेंडर है. और क्या कहते हैं, ये स्टार्टिंग में जब आप इसको टेस्ट करते हैं तो ये बहुत स्वीट होता है, लेकिन व्हेन यू आर च्यूइंग इट इट इज लिटिल बिट चिली, इट्स लाइक दैट. सो इसको एक और बाइट खाते हैं फिर मैं इसको रेट करूँगा. गुड हो गया भाई, बहुत अलग. ये खा लिया है, अब हम ट्राई करते हैं गार्लिक मेयो और फिर मैं दोनों को साथ एंड में रेट करके बताऊंगा कि कौन सा ज्यादा मजे का था. तो अब हम इसका पहला बाइट लेते हैं और फिर ये जो गार्लिक मायो रोल है ये चिपोटले से ज़्यादा जूसी है और ये बहुत ज़्यादा क्रीमी है. जैसे नॉर्मल पाकिस्तानी गार्लिक मायो रोल्स होते हैं वैसा है ये. सो पाकिस्तान का ट्रेडिशनल टेस्ट है ये मेरा ख्याल है. तो गाइस, इसका ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनकी जो सर्विस थी दोनों ही रैप्स की बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग थी. लेकिन जो चिपोटले रैप था ये बहुत टैंगी था और इसमें ना पहले दोनों रैप्स में मुझे लगा था कि वो फिले होगा, लेकिन फिर जब मैंने देखा तो वो मिंस्ड पैडी और मेरा ख्याल था फिले ज़्यादा अच्छी लगती. लेकिन ओवरऑल दोनों बहुत अच्छी रही और चिपोटले को मैं रेट करूँगा 10 में से 7 और वो जो दूसरा है गार्लिक मेयो को मैं रेट करूंगा 10 में से 8. तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए चलता हूँ. एक और जरूरी बात जो मैं भूल गया था, मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा.